हेलो इंडिया, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ। आधी आबादी को मिल गया है पूरा हक, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। जी हां, राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। बड़ी खबर, अहम जानकारी, राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है। बिल के पक्ष में 214 वोट डाले गए हैं, बिल के विपक्ष में एक भी वोट नहीं पड़ा है। संसद के विशेष सत्र के दौरान राज्यसभा में गुरुवार को महिला आरक्षण बिल सर्वसम्मति से पास हो गया। सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया। बिल के समर्थन में 214 वोट पड़े और विरोध में कोई वोट नहीं पड़ा। यह बिल बुधवार को लोकसभा में लंबी चर्चा के बाद पारित हो गया था। राज्यसभा में इस बिल पर प्रस्तावित सारे संशोधन भी गिर गए। लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 454 और विरोध में मात्र 2 वोट पड़े थे। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है। तो वहीं बिल पास होने पर उपराष्ट्रपति और राज्यसभापति जगदीप धनखड़ ने सभी को बधाई दी और साथ ही कहा कि ये संयोग ऐसा है कि हिंदू रीति विधि विधान के अनुसार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है, मैं उन्हें बधाई देता हूं। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी ने इस बिल के पारित होने पर कहा, हमारे देश की लोकतांत्रिक यात्रा में ये एक निर्णायक क्षण है। 140 करोड़ भारतीयों को बधाई। मैं उन सभी राज्यसभा सांसदों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए वोट किया है। इस तरह का सर्वसम्मत समर्थन वास्तव में खुशी देने वाला है। इसी के साथ हम भारत की महिलाओं के लिए मजबूत प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण के युग की शुरुआत करते हैं। यह ऐतिहासिक कदम ये सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता है कि उनकी आवाज को और भी ज्यादा प्रभावी ढंग से सुना जाए। भारत ऐसे देश में जहां महिलाओं का सम्मान पृथ्वी पर नहीं बल्कि ऊपर देवी देवताओं भगवान भगवती के बीच में माना जाता है, आज उस चीज को जिसका सपना अटल जी ने 4 बार प्रयत्न किया जिसको पूरा करने के लिए, आज मोदी जी ने अटल जी के उस सपने को पूरा किया है। और मैं कह सकता हूं कि महिला सशक्तिकरण का जो ये दौर है ये इतनी तेज गति पकड़ेगा कि भारत निश्चित रूप में विश्व के नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरेगा। आज का दिन, या यूं मैं कहूं कि ये पूरा जो सत्र है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज होगा। नई इमारत और नई इबारत, इबारत इस बात की कि महिलाओं के सम्मान की इबारत आज स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हालांकि विपक्ष ने तमाम अड़ंगे डाले और उनके तमाम कुतर्क भी हुए, लेकिन निश्चित रूप में मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है सबने मिलके इसमें आज सोने में सुहागा हुआ है। और आज जितना प्रसन्नता महिला वर्ग में था, आज पूरे देश में लगता है कि दिवाली से पहले ही दिवाली हो गई। मैं सबसे पहले तो माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं जिनके दृढ़ संकल्प के कारण आज ये हो पाया है, और सभी राजनीतिक दलों का, सभी सांसदों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने सहयोग किया। आज अमृतकाल के समय ये जो यात्रा स्वर्णिम काल की है, इसमें महिलाओं का योगदान नीति निर्माण में, गरीबों के कल्याण में और राष्ट्र के उत्थान में अहम भूमिका हो, तो इसी संसद में 33% आरक्षण और विधानसभाओं में भी 33% आरक्षण को सुनिश्चित किया है। 30 साल से कोई नहीं कर पाया था, ये अब मोदी जी कर पाए हैं। इसलिए तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। और पहले महिलाओं के विकास के लिए योजनाएं लाए, अब महिलाओं को नीति निर्माण में जो हिस्सेदारी दी है, एक चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में अब विधानसभा से संसद तक आने का, ये अपने आप में एक नया कीर्तिमान है, एक नया इतिहास रचा है। मोदी जी आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। मोदी राजीव गांधी का सपना था, उन्होंने इसको स्वीकार शुरुआत की थी, और इसके बाद नरसिम्हा राव जी ने पंचायतों में उस बिल को पास कराया था और मनमोहन सिंह जी ने राज्यसभा में। तो ये तो हमारा एक तरह से जो है महिलाओं का आरक्षण देने का मुद्दा था और वो हुआ, इसलिए हमने पूर्ण समर्थन दिया। नरेंद्र मोदी लिखेंगे, हम बार बार कहते थे मोदी है तो मुमकिन है,
आज पुनः उन्होंने ये साबित कर दिया देश की करोड़ों बहनों की ओर से, परिवारों की ओर से जिन्होंने अपनी बहु बेटियों और माताओं को प्रोत्साहित किया, बहुत बहुत बधाई। आज एक ऐतिहासिक पल है और आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने समर्थन किया, इतनी रात तक चला और नोज में तो जीरो ही रहा हमेशा और सब में ये हम लोग उसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए और SC ST के साथ OBC भी हो, लेकिन अभी फिलहाल जितना मिला उससे ही हम लोग संतुष्ट रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं और क्या हासिल हो सकता है। आज एक ऐतिहासिक पल है और आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने समर्थन किया, इतनी रात तक चला और नोज में तो जीरो ही रहा हमेशा और सब में ये हम लोग उसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए और SC ST के साथ OBC भी हो, लेकिन अभी फिलहाल जितना मिला उससे ही हम लोग संतुष्ट रहना पड़ेगा। आगे देखते हैं और क्या हासिल हो सकता है। तो बिल पास होने के बाद महिला सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले हैं। महिला सांसदों ने पीएम मोदी का आभार जताया। बड़ी खबर, अहम जानकारी, संसद के गेट पर खड़े होकर आभार जताया है कई सांसदों ने। प्रधानमंत्री मोदी को बुके और शॉल भी गिफ्ट किया। ऐतिहासिक महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया है, अब इसे राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। दोनों सदनों से महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार रात राज्यसभा पहुंचे और भाजपा की महिला सांसदों के ग्रुप के साथ फोटो भी खिंचवाए। इस दौरान महिला सांसदों ने उन्हें बुके भेंट करते हुए उनका अभिवादन किया। तो ये बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं। देखिए, आधी आबादी को पूरा अधिकार, 33% आरक्षण की बात फिर चाहे वो संसद भवन में हो या फिर विधानसभा में हो, दोनों ही जगह महिलाएं अब नेतृत्व की भूमिका में होंगी, नीति निर्माता की भूमिका में होंगी और जब नीति निर्माता की भूमिका में महिलाएं होंगी तो इसमें कोई दो राय नहीं, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की प्रतिबद्धता और ज्यादा अग्रणी तौर पर संसदीय पीछे आओ। बिल्कुल, हम लोग महिलाओं के लिए ऐतिहासिक दिन है। आज भारत के आधे जनसंख्या महिलाओं की का जो हक पहले ही मिल जाना चाहिए था, जो आज सही मायने में आज हक मिला है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी मोदी जी के अगुवाई में ये पहल हुआ है, ये सफलता मिला है और मैं पूरे देशवासियों की महिलाओं की तरफ से बहुत बहुत उनको साधुवाद और धन्यवाद और बधाई भी देती हूँ। भाई देखिए, यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी रहे। अब माता सुखी रहे, मातृ शक्ति अगर सुखी रहे तो पूरा देश विकसित होगा, विकसित भारत बनेगा। 21वीं शताब्दी का भारत विकसित भारत होगा और अधूरी बिना मातृशक्ति का ये अधूरा विकास होता, अब तो पूरा विकास होगा। राजनैतिक इच्छा शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में है और दूसरी बात, ये वाहद शख्सियत है माननीय प्रधानमंत्री जी। ये पहली शख्सियत है जिन्होंने लाल किले पे खड़े होके बेटियों की चिंता की और जो काम चार बार ये रह गया था ऐसी सोच की वजह से, ऐसी नीयत की वजह से। तो जिस पार्टी के पास नीयत हो, नीति हो और ऐसी पर्सनैलिटी हो, वही पॉसिबल है। ये माताओं के लिए, बहनों के लिए, बेटियों के लिए ये बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक और खुशनुमा दिन है।
कहते ना औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने इसे बाजार दिया उसे बाजार दिया। लेकिन ये वाह शख्सियत है, एक महान औरत ने जन्म दिया मोदी को, मोदी ने उसे भगवान किया। तो राजनीतिक इच्छा शक्ति आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार में है, और दूसरी बात सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं अबिलिटी टू बिल्ड कंसेंसस। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जहां राजनीतिक इच्छा शक्ति हो, सबको साथ लेकर चलने की काबिलियत हो, वहां ही यह इतना बड़ा कार्य संभव हो सकता है। और देखिए, जहां तक कार्यान्वयन का सवाल है, मुझे लगता है कि किसी भी कार्यक्रम का कार्यान्वयन आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार का एक बहुत ही मजबूत पक्ष है। मैं इसलिए ये बात कह रही हूं कि ये एक ऐतिहासिक दिवस है, केवल भारतीय हमारी नारी के लिए नहीं, लेकिन पूर्ण संपूर्ण भारत के लिए, जहां महिला सशक्तिकरण का असली नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश में स्थापित किया गया है। तो आज का दिवस संपूर्ण भारत और संपूर्ण विश्व के लिए एक स्वर्ण अक्षरों का दिवस होगा। तो वहीं दूसरी तरफ G20 में लगे तमाम सुरक्षा कर्मियों का बड़ा सम्मान होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी आज सुरक्षा कर्मियों के साथ डिनर करने वाले हैं। पीएम मोदी भारत मंडपम में रात्रि भोज की मेजबानी करेंगे। G20 के सफल आयोजन के लिए धन्यवाद प्रेषित करेंगे खुद प्रधानमंत्री। भारत मंडपम और तमाम मेहमानों की सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में प्रधानमंत्री आज भारत मंडपम में रात्रि भोज की मेजबानी करने वाले हैं, और इस रात्रि भोज में तमाम सुरक्षा कर्मी शामिल होंगे। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, G20 ने जिस तरीके से सफलता का इतिहास लिखा है, न सिर्फ देश के स्मृति पटल पर बल्कि विश्व के स्मृति पटल पर भी भारत ने अमिट छाप छोड़ी है, और इसमें सबसे अग्रणी और महत्वपूर्ण भूमिका सुरक्षा कर्मियों की, क्योंकि अगर वो निडर डटे ना होते तो भारत की इतनी बड़ी स्मृति खड़ी ना होती। तो G20 में लगे तमाम सुरक्षा कर्मियों के सम्मान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिनर की मेजबानी करने वाले हैं। इस बीच आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। रेलवे ने दुर्घटना मुआवजा राशि 10 गुना बढ़ा दी है। हादसे में जान गंवाने पर 50,000 की जगह अब 5,00,000 मिला करेंगे। गंभीर रूप से जख्मियों को 25,000 के बदले अब 2,50,000 मुआवजा यानी कि अनुग्रह राशि मिलेगी। मामूली चोट अगर आती है तो 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। रेलवे बोर्ड ने यह सर्कुलर जारी किया है। 2012-13 के मुआवजा नियम में संशोधन किया गया है। तो रेलवे बोर्ड ने सर्कुलर जारी किया है। दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से टेलीविजन चैनल्स के लिए एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वो ऐसी पृष्ठभूमि के व्यक्तियों के बारे में रिपोर्टर्स और विचारों एजेंडा को कोई भी मंच देने से बचें जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके खिलाफ गंभीर अपराध या आतंकवाद के आरोप हैं, साथ ही जो उन संगठनों से संबंधित हैं। ये मामला मंत्रालय के संज्ञान में तब आया जब विदेशी देश में एक व्यक्ति जिस पर आतंकवाद सहित कई गंभीर आपराधिक मामले हैं, जिसे भारत में कानून की ओर से प्रतिबंधित किया गया है, उसे एक टेलीविजन चैनल पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था। चर्चा के दौरान उस व्यक्ति ने कई टिप्पणियां की जो देश की संप्रभुता, अखंडता, भारत की सुरक्षा, एक
विदेशी राज्य के साथ भारत के मैत्रीपूर्ण संबंधों के लिए हानिकारक था और देश में सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने का भी वो काम कर सकता था। तब मंत्रालय ने यह एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी में कानून की तरफ से लिखा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19(2) के तहत निर्धारित और CTN अधिनियम की धारा 20 की उपधारा 2 के तहत उल्लेखित उचित प्रतिबंधों को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया जाना चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।